तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और आपको मेरे फेस में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दिख रही होगी। हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं लूकरगंज में, मदनानी हॉस्पिटल है उसके पास में। ये है आपका आईफोन वर्ल्ड, और आपने गेस कर लिया होगा अभी तक। तो वैसे मैंने अपना आईफोन 11 जो था 64 GB, जिससे इतने सारे सब्सक्राइबर्स अर्न किए, अपनी एक फैमिली बनाई इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, बहुत बड़ा सहयोग है उसको, फाइनली उससे अलविदा कर दिया है और उसे एक्सचेंज करके अभी मैं ले रहा हूँ आईफोन 12 128 GB। तो ये आईफोन वर्ल्ड में मुझे अच्छी डील मिल गई थी। इनका जो इंस्टाग्राम पेज है iPhone_world, तो उस पर स्टोरी पे मैंने देखा ये जो फ़ोन जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये आपका आईफोन 12 है 128 GB। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी भाई मुझे स्टोरेज की। कभी भी शूट करता था ना तो लगता था यार इस वीडियो को रहने देते हैं क्योंकि स्पेस फुल हो जाएगा, ये स्विच ऑफ करके उसका स्विच ऑन करते थे बार बार, बहुत सारी चीज़ें भाई, पूरा व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, वीआर अनइंस्टॉल की भाई इस वीडियो के लिए जो है जगह बन जाए, ये सब प्रॉब्लम थी। इसलिए बहुत प्रॉब्लम थी यार, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाता था, यूट्यूब पे भी बनाना होता था, तो एकदम हालत ख़राब हो जाती थी। और आईफोन में एडिट भी करते थे। तो फिलहाल चलो आपको मिलाते हैं सैफ भाई से, जो कि ओनर हैं आईफोन वर्ल्ड के। तो सबसे पहले जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको ये देखिए एप्पल कट का ये शीशा दिखेगा, और ये हमारे सैफ भाई हैं जो कि ओनर हैं आईफोन वर्ल्ड के, साथ में हमारे भाई, क्या नाम है आपका? नेगी भाई जी। और ये हमारे क्या? सुजल भाई। तो अपना एक्सचेंज कर दिया, ये हमारा पुराना फ़ोन, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस फ़ोन से। तो इससे इतने सारे कंटेंट बनाए, वैष्णो देवी, केदारनाथ, प्रयागराज के पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जाके कंटेंट बनाए, गली गली, हाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। कल आखिरी कंटेंट बनाया इस फ़ोन से, वो जो जितने जगह के नाम चेंज हुए उस पर। तो भाई जिसको भी लेना है इस फोन को, अब ये सेल होने वाला है भाई के पास, हाँ तो इनके स्टोरी पे आप लोग चेक कर लेना, इनका इंस्टाग्राम पेज है आईफोन वर्ल्ड, बाकी ये नंबर दिया है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई जिसके पास ये आईफोन जाने वाला है ना, मतलब मैंने जिस मुकाम को छुआ है, मैं आप लोग के लिए भी भाई यही प्रे करूंगा कि अगर इस आईफोन से आप कुछ करते हो, क्योंकि आईफोन तो आईफोन होता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता, इंसान ही उसके पीछे का होता है जो अपने कंटेंट को बनाता है, अपने इन सारी चीज़ों को बनाता है। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे लिए बहुत लकी था, मेरा पहला आईफोन था, तो जिसके पास भी जाएगा मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई। 24 hours later. तो भैया अभी आ चुके हैं मद्रास होटल के पास में, ये है आपका मद्रास होटल, और यहीं बगल में है मद्रास हेयर ड्रेसर। तो पहले सुलिया को ठीक कराते हैं और आपसे मिलते हैं। सो दिस इज खंजाट लुक, और ये है भैया बम्फाट लुक। तो चलते अपने वैभव भाई को रिसीव करते हैं, और लास्ट वीडियो हमारा जहाँ पे रुका था वहाँ से इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले निकलेंगे अपन बमरौली के लिए, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, क्या हुआ है वो आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। चलो पहले वेजिटा भाई को उठाते हैं, और बाकी ये भैया मद्रास हेयर ड्रेसर, ये आपका मद्रास होटल के पास में, आपका मद्रास होटल अल्लापुर में पड़ता है, और ये बगल में राजेश भैया चाय पिलाते हैं। तो जो है भैया ने चाय पिलाई इनकी, काफ़ी सही थी। तो अगर आप लोग अल्लापुर आते हैं तो राजेश भैया की चाय भी पी सकते हैं, बता रहे थे कि काफ़ी दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं। तो अभी आ चुके हैं वैभव भाई के घर, और लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जाएंगे बमरौली, उसका नाम चेंज हुआ है, और वहाँ से वापसी में पड़ता है प्रीतम नगर, तो उसका भी नाम चेंज हुआ है। तो कुछ और इलाके हैं, कुछ और चौराहे हैं, कुछ और स्थान हैं जिन्हें अभी कवर चेंज हुआ, तो हम ही लोग जाएंगे अब तो वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँच के उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, लोगों से पब्लिक रिएक्शन लेंगे। तो अभी फ़िलहाल प्लान बनाया जाने का बमरौली एयरपोर्ट, जिसका नाम क्या हो गया है वो वहाँ पहुँच के बताएंगे। तो चलो चलते हैं, चला जाए, चलो बहुत गर्मी है यार, उमस है ए भाई। अभी फिलहाल फेशियल करा लिया, कैसा लग रहा है? फेशियल लास्ट वीडियो में जब हम लोग जॉनसनगंज में थे तो वहाँ पे जो आया था ना रेशमा, वो है रेशमा, तो वैभव ऐसा कर रहा था कैसे भाई साहब वो क्लिप जो है। तो भैया अभी हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं कंपनी गार्डन गेट नंबर 4 के सामने, यहाँ पर है ये इंडियन प्रेस चौराहा, वेजिटा भाई के साथ समोसा खाने, और वेजिटा भाई तो नहीं खा रहे हैं लेकिन मैं खा रहा हूँ, यहाँ पे आता रहता हूँ खाने। ये हमारे भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? गोपाल। गोपाल भैया, तो गोपाल भैया तो हमारी वीडियो देखते रहते हैं जी। और जो है यहाँ पे हम समोसा खाने आते हैं गर्मा गर्म, 4-5 बजे शाम को आइए तो गर्मा गर्म मिल जाएगा। और भैया इनका समोसे का टेस्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो यहाँ से समोसा खाते हैं फिर निकलते हैं अपना प्रीतम नगर और बमरौली के। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
तो भैया अभी हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे बमरौली एयरपोर्ट, और अंकल जी बता रहे हैं कि 9 से 4 ही अलाउ रहता है, मतलब हम लोग अंदर अभी नहीं जा सकते। और लगभग टाइम क्या हो रहा है वो? टाइम भी ज़्यादा हो गया भाई, लगभग 7 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो 7 बजे का टाइम है, तो अंदर जाकर तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन फिलहाल 7:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया आने में, बिकॉज धूप रहती है तो दिन में आना भी ठीक नहीं रहता। तो आपका जो बमरौली एयरपोर्ट है, अब इसका नाम चेंज होकर पड़ चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। इसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आ चुके हैं, लगभग हमारे घर से 24 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, 24 किलोमीटर दूर। आपको बस ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, चाहते तो वही बता सकते थे, लेकिन दिखा के बताने का एक अलग ही होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। दिखा भी नहीं पाए ठीक से, लेकिन कारण था उसका कि लेट नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को प्रीतम नगर भी जाना है, वहाँ कुछ चीज़ें कवर करनी है, वहाँ के फूड लोकेशंस, वहाँ का भी नाम चेंज हुआ है, तो उसको भी दिखाते हैं, उसको भी कवर करते हैं। बाकी अंकल से हमने परमिशन ले ली कि यहाँ से बना सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग इतना दूर से हैं, तो अंकल जी ने इजाज़त दे दी। सो थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। यहीं बगल में आपका एयरपोर्ट के बगल में आपका बमरौली स्टेशन भी है, ये बोर्ड आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये बमरौली। तो भैया काफ़ी मज़ा आया अंदर, और अंदर जाने को ही नहीं मिला, पूरा अंदर का आया मतलब मज़ा ये आया कि मतलब वहाँ पे जाके हम लोग डिसअपॉइंट हुए, मज़ा आ गया। और ये चीज़ें मतलब लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़रूरी है, जाने के बाद जब मना किया तो मज़ा आ गया, अरे नहीं जा रहे थे, क्या बात है। और पता है ये जो यहाँ तक हम लोग आए हैं, ये आपका बमरौली का गेट है, और यहाँ से अंदर 6 किलोमीटर है वो, और हम लोग अभी अपने घर से यहाँ पे ये 20 किलोमीटर दूर है, मतलब हम लोग 20-26 किलोमीटर आ गए थे, और हम लोग के हाथ में कुछ नहीं लगा, जितना भी थोड़ा बहुत बना पाए अंकल, चूँकि स्वीट थे तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत अंकल बहुत स्वीट थे। अच्छा, जो लोग भी बमरौली एयरपोर्ट के आसपास में रहते हो, इस लोकेलिटी में रहते हो, कमेंट्स में बताना, ठीक है, आपकी लोकेशन में हम लोग आए, आप लोग भी स्वीट है ना, बताइएगा जरूर। चलो अब चलते हैं प्रीतम नगर, कुछ खाते पीते हैं, और प्रीतम नगर का भी नाम चेंज हुआ है, तो चलो प्रीतम नगर पहुँच के आपको बताते हैं। प्रीतम नगर भी चेंज, और यहाँ से आपका पास में यहाँ का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी मार्केट, जिसका नाम है मुंडेरा। और हम लोग कहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी इधर से आ रही है, इधर आ जाए, और इधर से जा रही है, तो बड़ा रिस्क लेके वीडियो बनाया जा रहा है। चलो, बहुत ही प्यारा मंदिर है, यहाँ पर आपको शंकर पार्वती जी की भी मूर्ति दिख जाएगी, यहाँ पे शिवलिंग भी है, नंदी जी भी बड़े प्यारे से हैं, हनुमान जी की बहुत प्यारी मूर्ति है, यहाँ पे साईं बाबा भी हैं, और वहाँ पे ये आपको दर्शन कराते हैं राधे कृष्णा के, ये आप देख सकते हैं राधे कृष्णा हैं, गणेश जी की बहुत प्यारी मूर्ति है, माँ दुर्गा हैं, तो बहुत ही प्यारा मंदिर है, वाह ना। यहाँ जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे शनिदेव महाराज जी हैं, पीपल का पेड़ है, आप देख सकते हैं, वाह, जय हो शनि माँ। तो यहाँ पे कुछ बवाल हो गया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, होता रहता है ये सब, छोटी बात है। तो भैया अभी हम लोग आ चुके हैं शंघाई मोमोज पे, ये आपका कन्हैपुर मोड़ के पास पड़ता है, आगे कन्हैपुर मोड़ था, और कन्हैपुर मोड़ पे हम इधर आ चुके हैं शंघाई मोमोज खाने। तो हमारे एक मित्र हैं, फूड ब्लॉगर हैं प्रयागराज के, जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है फूड वेव नाम का, तो उन्होंने बताया भाई प्रयागराज में जितने मोमोज उन्होंने ट्राई किए हैं, इसका टेस्ट अब तक उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। कह रहे थे कि अब तक प्रयागराज में जितने मोमोज खाए हैं ना, वो फूड ब्लॉगर है ना, तो उसने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब घाट घाट के मोमोज खाए हैं, तो देखते हैं कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है, और वैभव भाई को भी खिलाते हैं ना, चला जाए खाने। बाकी आप प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे, 80 रुपये का चिली वेज मोमोज, वेज मोमोज 50। चलो चलिए भैया, स्टीम्ड मोमोज कैसे हैं? मोमोज खत्म हो गए, खत्म हो गए। अरे यार ऐसा ना करिए, बड़ी तारीफ करी थी एक लोगों ने, इतना दूर से आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर मोमोज खत्म हो चुके हैं, स्टीम्ड मोमोज की बड़ी फरमाइश थी लोगों की कि आप यहाँ का वीडियो कवर करिए, और फूड वेव भाई ने सजेस्ट किया था, लेकिन ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल हमने ऑर्डर किए हैं वेज चाउमीन और वेज फ्राइड राइस, और चाचा भी मोमोज खा लिए। मोमोज खा लिए आप यहाँ का? कैसा टेस्ट है यहाँ का मोमोज का? बहुत बढ़िया ना, हम लोग बस ये सुन ही पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ भाई लोग मिल गए, ये पास में रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? आरटीओ ऑफिस के पास में। क्या नाम है आपका? कौशिक। कौशिक और मोहित सिंह। मोहित भाई, चलो अच्छा लगा मिलके भाई। भाई फोटो ले रहे थे तो इनका हाथ कांप रहा था, इसे 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 मतलब हमको लगा लोग फुल के नाम पे जो देते हैं ना, इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। कौन खाएगा भाई? ए भाई आ रहे, तुम लोग भी खा लो यार थोड़ा सा, आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा यार भाई, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। चलो अच्छा, हमारे भाई लोग मिल गए, चम्मच एक एक एक्स्ट्रा, चलो बस बस बढ़िया। कैसा टेस्ट है वैभव भाई?
फ्राइड राइस का। टेस्ट भी बढ़िया है भाई, कैसा है? आप तो खाते रहते होगे। ये फुल करा लीजिए, पूरा परिवार खाइए जाइए। हाँ, बेचारा मोमोज का वेट करते करते सो गया, लेकिन इसको मोमोज मिला नहीं। सोया कैसे? देखो इसका मोमोज बाहर आ गया है। एक और भाई मिल गए हैं, शंघाई मोमोज की जो शॉप है इसी के जस्ट सामने भाई का घर था, तो जब से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तब से देख रहे थे। क्या लीजिए यार, आप ही खाइए यार। अरे ओके, कुछ और खाओगे? ले लो यार, नया आईफोन 12 लिए, खा लो। आप बताए कल ही लिए थे वो वहाँ से। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? अभी क्या हुआ जानते हो? यहाँ एक्सीडेंट हुआ थोड़ा सा, छोटा मोटा। अच्छा, ऐसे हम बचाने गए, बच्चा भिड़ा तो हम बचाने गए, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा पहुंच गया। अरे क्या हुआ? नहीं आता भैया, कुछ करना नहीं है, बस उछल के दोनों पैर छुआ देना है, लेकिन हवा में रहते वक्त ही दोनों पैर छूने चाहिए। अरे नहीं कर पाते। अरे आप लोग करके बता दो ना। एक बार तुम कर दो, हमको जानकर तुम करो। अरे हमको आते ही नहीं। एक बार वैभव तुम करो। हमको तो एकदम नहीं आता, ये पता नहीं ऐसे क्या। हां ऐसे ही करना है। ये क्या रहा भाई, ऐसे ये तो पैर आ छुआ रहा है। तुम करो 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 थोड़ा सा, ये बताइए एक बार बताइए। ऐसे चल के ये करना। अच्छा ये वाला? हाँ थोड़ा ज्यादा। अरे भाई हमारी खोपड़ी नीचे जाता है थोड़ा सा। और वैभव भाई को लेकर आ चुके हैं जहाँ लास्ट टाइम आए थे हम लोग, जहाँ का वीडियो बनाया था, यहाँ की लस्सी ट्राई करी थी जो कि 30 रुपए की बहुत ही बमफाटा लस्सी है। और वैभव भाई को टेस्ट कराते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि टेस्ट कैसा लगा। चाउमीन खा लेना, थोड़ा लस्सी आराम देगा। हाँ भैया दो लस्सी लगा दीजिए। कैसा लगा टेस्ट वैभव भाई? कैसा है टेस्ट? कैसा लगा टेस्ट? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। अरे तो भैया अभी हम लोग आ चुके हैं प्रीतम नगर में, और प्रीतम नगर में किसी चौराहे का नाम पड़ चुका है कैलाश गौतम चौराहा। अब वो एग्जैक्टली कौन सा चौराहा है ये तो हमें नहीं पता, तो आइए किसी से पूछते हैं कि कैलाश गौतम चौराहा कौन सा है। ठीक है तो अंकल जी, अंकल जी बच्चा, ये कैलाश गौतम चौराहा कौन सा होगा? कैलाश गौतम चौराहा? नहीं पता। प्रीतम नगर का नाम चेंज होगा ना, पता चला कि नहीं? नहीं, प्रीतम नगर का नाम चेंज होगी पड़ गया कैलाश गौतम चौराहा। तो कौन सा पर्टिकुलर प्रीतम नगर चौराहा कौन सा है? तो भैया यही आपका जो है ये प्रीतम नगर चौराहा है, और यहाँ से ये जो रास्ता गया है अंदर साइड में, यही प्रीतम नगर की तरफ जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कैलाश गौतम चौराहा इसी को कहते हैं, और वो जो रास्ता सामने गया है वो है साकेत नगर की ओर जाने वाला रास्ता, और यहीं पे है श्री हरि स्वीट हाउस। तो यही आपका प्रीतम नगर का मेन चौराहा है ना, चला जाए। चलो तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हमारे भाई लोग मिले। क्या नाम है आपका? साजिब अली। साजिब और साहिब, तो बहुत अच्छा लगा मिलके, यहीं प्रीतम नगर के लोकल हैं। तो मैं यही कन्फर्म करना चाह रहा था कि यही वो चौराहा है ना जिसका नाम चेंज हुआ है, तो अभी इस चौराहे का नाम हो गया है क्या? कैलाश गौतम चौराहा। चलो भाई अच्छा लगा मिल के। तो भैया ये आपका है सीएमपी चौराहा, इसके पीछे है सीएमपी पेट्रोल पंप, और ये आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज। तो हम लोग आ चुके हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास में, यहाँ पर कोई आसपास में गोबर गली है जिसका नाम चेंज होकर पड़ चुका है चौधरी महादेव मार्ग। वैसे तो हर गली गोबर है, लेकिन यहाँ पे गोबर गली बुलाया जाता है किसी जगह को। एक तो गोबर गली वहाँ पे है मुझे लग रहा है जो हनुमान मंदिर सिविल लाइन्स के पास में, तो शायद उसका नाम चौधरी महादेव मार्ग पड़ गया है। फिलहाल आपको दिखा देते हैं, ये आपका सीएमपी कॉलेज है। पैर दर्द करने लगा भाई, ये देखो भाई हालत खराब हो गई। रात के टाइम पे हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई देख लेगा पुलिस वाला तो आके पकड़ के हम लोग को थाने में बंद कर दे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो हमारा फॉलोअर या सब्सक्राइबर निकला हमारे। भाई पता है मेरी आदत नहीं है, मैं जब भी ब्लॉग करता हूँ ना तो ये कट जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कैमरा पकड़ना मैंने सीख लिया है। लो थोड़ा सुनिए, कर लो, मेरी हालत खराब हो गई, गला दर्द हो रहा है। तो आइए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी हम लोग भी थक गए हैं, आप लोग शायद थके होंगे कि नहीं थके होंगे पता नहीं, वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इन लोग कहाँ थके होंगे, एसी में बैठ के पैर पैर रखे हैं। हो सकता है भाई, या तो कूलर सामने हो गया, पंखा चल रहा है। वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट तो जरूर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में। भाई इतनी गर्मी में ना व्लॉग करने में हालत खराब हो जाती है, तो आप लोग लाइक शेयर चिपका देना ताकि हम लोग
और एनर्जेटिक हो जाए अगली वीडियो को बनाने के लिए। और क्या भाई, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, लेट्स रॉक। और हाँ, ये हमने आईफोन 12 से ये व्लॉग बनाया, तो क्वालिटी कैसे लगी तो बताना कमेंट। जय माता दी, लेट्स रॉक।